वाईफाई बंद, ब्लूटूथ बंद। वो चल रहा है, चल रहा है। अरे भाई फ्रैंकलिन 90 FPS भाई। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपना फेवरेट पीसी गेम को अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर स्मूथली चलाया जा सकता है? सोचिए अगर आप अपने फोन को एक गेमिंग पीसी बना दे और सिर्फ वो भी एक एम्युलेटर के साथ। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ उसी एम्युलेटर होराइजन एम्युलेटर के बारे में, जिसके ऊपर हमारे टैग बनर भाई ने भी एक वीडियो बनाया हुआ है काफी टाइम पहले। उस वीडियो को बनाए हुए इतना टाइम नहीं हुआ है, बट उस वीडियो में उन्होंने इस एम्युलेटर पर GTA 5 को चलाया था, वो भी रियल GTA 5 को, और अपने फोन के अंदर उस गेम को इंस्टॉल करके उन्होंने चलाया था विदाउट यूजिंग एनी इंटरनेट। जी हाँ, ऑफलाइन उन्होंने पूरा गेम GTA 5 जैसे हम पीसी में चलाते हैं वैसे ही उन्होंने अपने फोन के अंदर चलाया था, अपने फोन एक पीसी एम्युलेटर के साथ में जोड़कर। यही है पीसी एम्युलेटर होने वाला है जिसकी बारे में आज का ये वीडियो है, और 2024 का ये पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल सिखाने वाला हूँ, पूरा ट्यूटोरियल होने वाला है। ट्रस्ट मी, हर एक गेमर के लिए ये एक गेम चेंजर होने वाला है। गाइस वेलकम बैक टू मिस्टर सैफ्रन वाईटी। आज हम एक ऐसा ट्यूटोरियल लाए है जो हर एक गेमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है होराइजन एम्युलेटर के साथ में। ये पूरा वीडियो रहने वाला है बिना टाइम वेस्ट करे, चलिए शुरू करता हूँ मैं। बट उससे पहले अभी तक आपने जो सुना एंड देखा वो सिर्फ शुरुआत है, पूरा प्रोसेस देखना है तो आपको आगे वीडियो देखना पड़ेगा। अमेजिंग टिप्स भी देने वाला हूँ, अच्छी सेटिंग्स आपको एम्युलेटर में बताने वाला हूँ, पूरा एम्युलेटर आपका सेट करने वाला हूं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं ये बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आपको इस एम्युलेटर के बारे में पूरी की पूरी सेटिंग्स बताने वाला हूं, सब कुछ बताने वाला हूं जो आपको नीडेड होने वाला है ठीक है गेम चलाने के लिए। बट कंट्रोल्स के बारे में एक अलग से वीडियो बनेगा, क्योंकि कंट्रोल्स का जो सिस्टम है उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है और उसको सेट करना पड़ता है पूरा का पूरा ठीक है। तो अभी वो चीज मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कंट्रोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके गेम को कंट्रोल करने के लिए। और टेक बर्नर भाई ने कीबोर्ड एंड माउस को यूज किया था GTA 5 को खेलने के लिए, तो सिमिलरली आप भी वैसा कर सकते हो। बट जो लोगों के पास कीबोर्ड एंड माउस नहीं है वो कंट्रोल्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं जस्ट एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके। उसका एक वीडियो जरूर मैं अपलोड कर दूंगा अगर इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट आता है। कुछ टाइम पहले मेरे पास भी यही क्वेश्चन था कि क्या हम अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर बिना किसी लैग हुए हाई क्वालिटी पीसी गेम्स को खेल सकते हैं क्या, और जब मैंने होराइजन एमुलेटर ट्राई किया तो ये चीज अलग ही एक्सपीरियंस दे दिया। आज मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर भी करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है जो आप अपने यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यही एप्लीकेशन है जो होराइजन एमुलेटर की एप्लीकेशन है ठीक है। लिंक टेलीग्राम पे एज यूजुअल आपको मिल रहा होगा, लेकिन टेलीग्राम पे नहीं मिलता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। डन करेंगे एंड यहाँ पे अलाउ एक्सेस टू मैनेज फाइल्स कर देंगे, होराइजन एम्युलेटर की स्क्रीन पे हम आ जाएंगे। ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नाउ सेटिंग्स में यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारी सेटिंग्स आ चुकी है, एंड डाउनलोड के सेक्शन में हम जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फाइल्स है जो आपको डाउनलोड करनी है और जिनसे आप अपने जो है एम्युलेटर को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर पाओगे ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, यहाँ पे डाउनलोड करना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वाईफाई अच्छा चाहिए होगा आपको। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं डाउनलोड फोल्डर में अपना पीसी गेम को इंस्टॉल करना है ठीक है। कोई भी पीसी गेम को यहाँ पे जो भी आप खेलना चाहते हो, जैसे कि GTA 5 हो गया, उससे आपको अपने फ़ोन में जो है इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर आपके फ़ोन में नहीं है GTA 5 तो आप एक्सटर्नल SSD लगा के GTA 5 को उसमें डाल के भी अपने जो फोन के अंदर है वो GTA 5 को चला सकते हो, जैसे कि टैग बनर ने भी चलाया था ठीक है। GTA को कॉपी करना, जहाँ पे भी आपने सेलेक्ट करी हुई इंस्टॉलेशन के टाइम पे वहाँ पे होगी, लोकल डिस्क D ऐसे लिखा होगा उस पर आपको डबल टैप करना है। अगर आपने डाउनलोड फोल्डर में डाला है तो वहीं पे आपका GTA 5 होगा, उस पर जाना है, डबल क्लिक मारना है GTA 5 लॉन्चर पे एंड होपफुली आपके फोन के अंदर चल जाए। नाउ सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है डाउनलोड के फोल्डर में, एंड डाउनलोड के फोल्डर में आने के बाद में ना यहाँ पे आपको सारी चीजों को अपडेट ऑल कर देना है। ऊपर अपडेट ऑल कर दोगे तो सारी चीजें डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, इंस्टॉल होना चालू हो जाएगी, जो चीज रिक्वायर्ड है वो अपने आप ही इंस्टॉल होना चालू हो जाएगी। बट हाँ गाइस, एट द सेम टाइम इंटरनेट लेगा और बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड, तो यहाँ पे आपको उतना टाइम जो है देना पड़ेगा, इंटरनेट भी उतना होना चाहिए आपके फोन में ठीक है। वाईफाई कनेक्ट कर लेना तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। 2 मिनट हो चुके हैं और ये कुछ चीज इंस्टॉल हो चुकी है, कुछ और भी इंस्टॉल हो रही है। उससे पहले X11 जो सेटिंग्स है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे जाएंगे रेजोल्यूशन पे, डिस्प्ले रेजोल्यूशन 720p पे सेट कर लेना अगर आपका फ़ोन डिसेंट है
रेजोल्यूशन अगेन हम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें हायर रेजोल्यूशन तक देखने के लिए मिल जाता है, बट स्टिल वी विल गोइंग टू सेट 720p। ठीक है, अब यहाँ पे और भी हमें ऑप्शन मिल जाता है, स्ट्रेच टू फुल फिट डिस्प्ले, ये भी कर देना है, पूरी स्क्रीन फुल हो जाएगी वाइल प्लेइंग गेम्स। ओके, थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास ऑप्शंस लग नहीं रहे हैं हमें, तो हम यहाँ पे जो है ये सेटिंग्स अभी फ़िलहाल के लिए करनी है एंड हम कंटेनर पे जाएंगे। और कंटेनर पे अगर आप देखोगे तो कुछ हमें दिखने के लिए नहीं मिलता है और डाउनलोड के फोल्डर में स्टिल डाउनलोड हो ही रहा है। नाउ गाइस, आप देख सकते हो कि यहाँ पे यार हमने बहुत करीब हमें 20 मिनट्स हो चुके हैं और काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं अपने आप। एंड अब जब आप यहाँ पे कंटेनर पे जाओगे तो आपको यहाँ पे फाइल मैनेजर का ऑप्शन शो होने लग जाएगा एंड क्रिएट न्यू कंटेनर का ऑप्शन भी शो हो जाएगा। इस पर हम क्लिक करके हम सबसे पहले कंटेनर बनाएंगे, और कंटेनर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें बनाना है सिमुलेटर के अंदर। और यहाँ पे जाने के बाद में ना हम यहाँ पे कंटेनर सेटिंग्स में जाएंगे एंड कंटेनर सेटिंग्स में आप देखोगे कुछ सेटिंग्स हमें इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिल जा रही है। यहाँ पे इन सेटिंग्स को हमें ऑफकोर्स मॉडिफाई करना है जिससे हम अपने गेम को स्मूथली चला पाए। ठीक है, तो जो एनवायरनमेंट प्रीसेट है इसको हम ग्लोबल रहने देंगे। बॉक्स 64 को हम यहाँ पे सेट करेंगे, 26.05 जो भी लेटेस्ट आपका रहता है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे हमें DXY का जो ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके एंड हमें यहाँ पे सेट करना है इसे Async 1.0.3। ठीक है, उसके बाद में टर्निप ड्राइवर को हमें वर्जन 9 पे सेट करना है। VKD3D ड्राइवर को हमें यहाँ पे 2.12 ही रखना है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है इसलिए रखना है। और नीचे के जो सेटिंग्स है यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1.0 ही रहने देना है, और जो डायरेक्ट डील्स है इनको भी नेटिव रखना है, मतलब डिफॉल्ट रखना है। ठीक है, जो सेटिंग्स चेंज करनी थी वो मैंने बता दिए। कंटेनर हमारा सेट है, फाइल मैनेजर के ऊपर हम यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके ओपन करेंगे एंड ये करने के बाद में आपके सामने आएगा स्टार्टिंग अप, प्लीज़ वेट, फर्स्ट वाइन वुड मे टेक फ्यू मिनट्स। ओके, यहाँ पे कुछ टाइम लेगा थोड़ा सा फर्स्ट टाइम ओपन करने के बाद में, और यहाँ पे आपको वेट करना है थोड़ा सा। वेट करने के बाद में हेयर यू कैन सी आपके स्क्रीन के सामने आपका जो वेट एमुलेटर ओपन हो चुका है, और ये पूरा का पूरा PC आप देख सकते हो ये ओपन हो चुका है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा लाइट दिख रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें यहाँ पे नहीं है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका पूरा सिस्टम जो है फ़ोन के अंदर वो रेडी हो चुका है। माउस का जो आइकन है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इसी तरीके से हमने इस पूरे के फोन के अंदर सक्सेसफुली, ठीक है, तो मैं पहले ही बता दूं कंट्रोलर्स के लिए आपको एज यूजुअल इनपुट ब्रिज नाम की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसको सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन उसका जो सेटअप है वो मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगी। तो इस वीडियो का जो पर्पस है वो सिर्फ ये पर्पस है कि आप अपने फ़ोन के अंदर गेम को इंस्टॉल करके और प्ले कर सके। कंट्रोल्स के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पे गाइस आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर जाके, यानी कि यहाँ पर डाउनलोड जो फोल्डर रहेगा वो आपका डी ड्राइव के अंदर ही दिखेगा। और यहाँ पे मैं मेरे पास एक स्पाइडरमैन का वेब ऑफ शेडोज़ का जो गेम है वो है, और यहाँ पे मैंने सेटअप पे क्लिक करके इसको मैं, आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन पे सेटअप ओपन हो चुका है जैसे कि हमारे PC स्क्रीन में होता है। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करके इस वाले जो सेटअप है इस वाले गेम को जो इंस्टॉल कर सकता हूँ विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम। जी हाँ, ये PC की तरह काम करता है। सी ड्राइव के अंदर हमारा जो गेम है यहाँ पे इंस्टॉल होने वाला है, और यहाँ पे बोल भी रहा है नॉट हैविंग इनफ डिस्क स्पेस फ्री। ओके, बट हम फिर भी कंटिन्यू कर देंगे अभी फिलहाल के लिए, जस्ट आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि हमारे इस एम्युलेटर में PC गेम्स को हम इंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है, और यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ टाइम बाद में ऑफकोर्स ये टाइम लेगा, 20 मिनट्स ऊपर दिखा रहा है, और हमारे पास 22 मिनट अभी जो है ये हो चुका है, 22 मिनट तक परसेंट हो चुका है, 23 भी हो गया है, और ऐसे धीरे धीरे हम इसको छोड़ेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू एक्चुअली इंस्टॉल PC गेम्स ऑन योर होराइजन एम्युलेटर। सो दैट वॉज द एंटायर ट्यूटोरियल दैट हाउ यू कैन इंस्टॉल दिस एम्युलेटर ऑन योर फोन। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जिसके लिए आपको ये वीडियो देखना ही देखना है, वो ये है कि हमारे टेक बनर भाई को भी यार इशू आया था कुछ फ़ोन के अंदर, GTA 5 नहीं चल रहा था, एरर आ रहा था। तो ये हो सकता है कि कुछ कुछ फ़ोन में गेम ना चले, बट जैसा कि उन्होंने बताया है कि यार स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन के जो प्रोसेसर आ रहे हैं, जो 25-30 हज़ार रुपये के जो फ़ोन से जो रेंज से जो फ़ोन स्टार्ट हो रहे हैं ना उन फ़ोन के अंदर ये वाला गेम अच्छे से चल जाएगा। यानी कि स्नैपड्रैगन का टॉप डिवाइस, अच्छा एक डिसेंट डिवाइस भी, अच्छा डिसेंट प्रोसेसर वाला डिवाइस भी आपके पास होना चाहिए। और ये इनकी क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो उनके भी क्लिप आप देख सकते हो।
आपके फोन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है ना जरूरी है ऐसे, और 865 प्लस कोई भी प्रोसेसर है, 8S Gen 2, 8S Gen 3, जितने भी नए प्रोसेसर आ रहे हैं 25,000 के ऊपर वाले, उन सब में ही ये गेम चल सकती है। नाउ गाइस दैट वाज द वीडियो जो कि पूरा का पूरा होराइजन एमुलेटर के ट्यूटोरियल के ऊपर था, और इस तरीके से आप अपने फेवरेट पीसी गेम्स को अपने फोन के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो इजीली, और आप इनको जो है प्ले कर सकते हो विदाउट इंटरनेट, विदाउट ब्लूटूथ, विदाउट हैविंग एनी एक्सटर्नल डिवाइस। आप जो है रियल GTA 5 को अपने फोन के अंदर इंजॉय कर सकते हो, और सिर्फ GTA 5 को नहीं, काफी सारे पीसी गेम्स को भी अपने फोन के अंदर आप खेल सकते हो। तो जैसा कि हमारे टेक बैनर भाई ने खेला ही है, वैसे ही आप इंजॉय कर सकते हो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो सो हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अमेजिंग GTA रिलेटेड कंटेंट और एम्यूलेटर रिलेटेड कंटेंट मैं अपलोड करता रहता हूँ अपने चैनल पे। आगे फ्यूचर में कुछ अमेजिंग गेम्स के ऊपर वीडियोस आने वाली है, फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन। हाउएवर अगर आपका फोन इतना ज्यादा हाई नहीं है, आपको लगता है कि मेरा फोन इतना ज्यादा हाई नहीं है इस एम्यूलेटर को चलाने के लिए, ऑफकोर्स ये एम्यूलेटर बहुत अच्छा डिवाइस रिक्वायर करता है, और 4GB रैम वालों के डिवाइस के लिए तो यार ये एम्यूलेटर आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि मेरे पास भी 4GB रैम का डिवाइस है और उसके अंदर मैंने गेम को जब इंस्टॉल किया था ऑफकोर्स ये गेम लैग कर रहा था। तो आप एक अल्टरनेटिव ट्राई कर सकते हो जो कि है PS2 एम्यूलेटर। अब आप अपने डिवाइस के अंदर PS2 एम्यूलेटर को भी इंस्टॉल कर सकते हो, PS2 एम्यूलेटर जिसके ऊपर मैंने एंटायर ट्यूटोरियल अपने चैनल पे बनाया हुआ है, और काफ़ी लोग सपोर्ट भी दे रहे हैं उस ट्यूटोरियल के ऊपर, और उस एम्यूलेटर को इंस्टॉल करके आप PS2 के गेम्स को खेल सकते हो, जैसे गॉड ऑफ वॉर हो गया या रेजिडेंट इवल का जो PS2 गेम है उसको आप अपने फोन के अंदर डायरेक्टली इंजॉय कर सकते हो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो अगेन सो हेल्पफुल, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन साइनिंग आउट।